हेलो दीपशिका आ गई। क्या हाय हाय एवरीबॉडी। अभी YouTube पे लाइव थी हमारे चैनल पे। मैं दीपशिका? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो बस देख ही रहे हो, अंधेरे में हूँ, कोई लाइट नहीं है इधर। अच्छा लाइट नहीं है तुम्हारे कोलकाता में? तो लाइट ही आज नहीं होती है मेनली कोलकाता। क्या क्या कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। काफी लोग आ गए। चलो मेन जो चीज है कि आज हम लोग कुछ देर के लिए आए हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बारिश वारिश थोड़ा भी हो रहा है, ठीक है? तो 5-10 मिनट के लिए हम लोग हैं। तो अनाउंसमेंट है कि कल हम लोगों का वीडियो आ रहा है, अल्टीमेटली जो सब लोग वेट कर रहे थे, पार्ट 2, ओल्ड वर्सेस न्यू पार्ट 2, ठीक है? तो इसका कल सुबह आने वाला है, दोनों चैनल में डिवोटीज और मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और अभी दीपशिका तुम बोलो कुछ, सबसे बात कर लो। बस मेरे को फिर से लास्ट टाइम डबिंग भी करनी आया था पड़ी। तुम्हारे अब वहां पे। इतना अच्छा गा दिया कि बस मेरे को फिर से गाना पड़ा पूरे लेवल मैच करने के, जो मैं फिर भी नहीं कर पाई। नहीं, बट आई होप, अब आई होप फाइनल जो आउटपुट आता है वो। ये एक्चुअली बहाना है। दीपशिखा को दो बारी गाना था, वो पहली बार डमी गाया था, वो वही उतना ये अच्छा आया था, मैंने कहा था फाइनल है। तो एक्चुअली बहाना है, दीपशिखा को तो दोबारा गाना है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहाना मतलब पहली बार तुमने डमी गाया था, मुझे मालूम है। नहीं वो इतना अच्छा था कि ओरिजिनल पे चल जाता, लेकिन अभी ठीक है, दो ओहो कान बार गा दिया। से तुम क्या टपक रहे हैं अभी, मधुर वाणी तुम्हारी। एनीवेज नहीं, मेरा तो तो ऐसे ही हाँ, है, मेरा मूवी है, मूवी ऐसे तो कल न्यू ही वर्सेस ओल्ड पार्ट रिलीज हो रहा है फाइनली, कितने टाइम के बाद? है। हाँ, बहुत टाइम, आफ्टर बहुत सो टाइम के बाद, लॉन्ग। एंड 3-4 महीने हाँ, हो और गए। टाइम हो गया पार्ट फर्स्ट को, बहुत टाइम हो गया। एंड उसको 25 25 मिलियन व्यूज मिल गए, मतलब विच इज द बिगेस्ट। अभी तक का तो टारगेट ही नहीं रहा कभी 25 मिलियन व्यूज किसी गाने पे, बट यू नो खुद ही उस पे इतना हाँ, राइट प्यार राइट दिया, राइट ऑलमोस्ट हमारे कंट्री की पॉपुलेशन। राइट right, बिल्कुल। वो सब आप लोगों के लिए, जिन्होंने आप लोगों ने देखा है, पसंद किया है, तो तो उसके साथ साथ कल फिर कल रिलीज होगा पार्ट 2। आपको और बेहतर लगेगा ये, आपको हर चीज में बेहतर, गानों की सिलेक्शन, म्यूजिक, मिक्सिंग, सब कुछ, वीडियो और हम बेटर, लोगों को दिखने में भी और अच्छा लग रहे हैं हम लोग। हम थोड़ा और अच्छे लगे। तो हम थोड़ा हम इस कलरफुल थोड़ा ज्यादा है इस बार, तो आप एंड अभी होप आपको पसंद आए। चलो आगे मैसेजेस, कुछ कमेंट्स आई आए होप होंगे। हाँ, कमेंट्स देख लो और सबको मजा आएगा कल पक्का, क्योंकि ये इस बार जो सॉन्ग सिलेक्शन हुआ है वो थोड़ा पहले से थोड़ा अलग है, और जो कॉम्बिनेशन किया गया है वो अनुराग और अभिषेक ने मतलब बढ़िया काम किया है। वो उन लोगों का ही पूरा प्लान था, तो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। एंड दीपशिका ऑफ कोर्स हैज संग ब्यूटीफुली। और और कमेंट्स देख लो। देखिए आप दोनों की जोड़ी बहुत हाय अच्छी मैडम। लगती है। थैंक यू। हम लोगों ने अभी तक मिले ही नहीं, ये हाँ तो सब हम जान मिलने लो। वाले, तो हाँ, हम मिलने वाले हैं अभी फाइनली। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, तो हम जब मिलेंगे तो हम लाइव भी आएंगे अब साथ में, इन ऐसे इंस्टाग्राम अलग अलग नहीं, बट एक ही बंदे के इंस्टाग्राम पे दोनों लोग होंगे। एंड हम दोनों जल्दी आपसे हाँ, मिलेंगे नहीं तब मतलब से। दोनों दोनों इंस्टाग्राम से एक साथ ऑनलाइन आएंगे, तब देखना दोनों में दोनों ही है। अच्छा, जब प्यार कमेंट्स क्या क्या आ रहा गाओ, ओल्ड सॉन्ग गाओ, ऐसे स्ट्रिंग्स उसका ही बना, कैसे हो? बढ़िया है। ली सिंगर सॉन्ग यार, कोई गाना सुनाओ दो। क्वेश्चन कोई गाना सुना दो दीपशिका, स्टूडियो में हो। आया, अगर मिले नहीं तो सॉन्ग कैसे गाते हो बताओ भाई। मिले नहीं तो सॉन्ग कैसे गाते हो? गले से गाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल सब गाते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद मेल किया जाता है। जो लोग मिक्स करते हैं वो लोग अभिषेक और
अनुराग के हाथ में है। राज क्योंकि कोलकाता से हैं और इतने बिजी रहते हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं, और मैं भी अकेली जा नहीं सकती, तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, फिर राज अपनी वोकल वहां से दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली में फाइनली म्यूजिक बनता है, जब म्यूजिक बनता है तो वापस राज रिकॉर्ड करते हैं, फिर से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, फिर हम दोनों के गाने मिक्स हो जाते हैं और वीडियो भी हम ऐसी अलग अलग बना के यहाँ पे एडिट। अभी गाना बोल रहे हैं गाने के लिए। आमी तुम्हार फैमिली पेंटिंग, आमी तुम्हार फैमिली ड्रॉइंग कोरे कोरेलम की फैमिली पिक ड्राइंग कर लूं। ओके 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 थैंक यू हक हक अफसानुल। ओके आप कहाँ से हो? हाँ मैंने देखा है आपका वो ड्राइंग, तुमने देखा होगा शायद, एक ड्राइंग किया ना मैंने इंस्टाग्राम पे दिया है दूसरी का, वो जो एक नाम लिख के ड्राइंग किया गया है एक मेरा पिक्चर, मैंने उसको शेयर भी किया था। राइट राइट वो इसने किया है हक अफसानुल, वेरी टैलेंटेड। आई एम नैंसी छत्रीवाला सर, आई एम पार्सलिंग वन गिफ्ट फॉर यू टुमारो टू योर एड्रेस, मेरे को भी भेज दो यार, मैं भी एड्रेस भिजवा देती हूँ। नैंसी बहुत ही स्वीट लड़की है, गुजरात से है वो। यार गुजरात तो दिल्ली के पास है, कोलकाता कहाँ पहुंच गए? दिल्ली दिल्ली बीच में छोड़ गया, दिल्ली छोड़ दिया यार। मैं अपना एड्रेस भेजती हूँ वहां पे भी गिफ्ट। अच्छा एनीवे कल ड्यूटी आ रहा है। सजीव या राज मनीष, ओके नाइस सजीव या राज मनीष प्लीज टुमारो, यस टुमारो थिंग यू आर ओल्ड पार्ट सेकंड इज रिलीजिंग, इट्स मच बेटर देन द प्रीवियस वन। We hope आपको आप इसको भी उतना ही उससे ज्यादा प्यार दो, 10 गुना ज्यादा प्यार दो, शेयर करो, सब वर्ल्ड वाइड शेयर करो यार। बेटी को क्यों भेजेंगे? तुम तो कहाँ पहुंच गई, तुम तो इंडिया से बाहर हो, मैं कैसे भेजू बोलो? अब यहाँ से मुझे देखो टाइटैनिक भेज रहा हूँ मैं, रुको मेरा अपना बन रहा है राज टैनिक वो डूबेगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं, वो उड़ भी सकता है, पंखा लगा हुआ है। सर आप गुजरात आने वाले थे? मैं गुजरात आने वाला, अभी तक गुजरात से कोई शो ही नहीं मिला मुझे, वो शो का वेट कर रहा हूँ। अच्छा बाय द वे मोस्ट प्रोबेबली राज और मेरा साथ में शो होगा इन नेक्स्ट कुछ महीनों में, साथ में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली दीपशिखा दी योर बंगाली, तुम्हारी बंगाली सुनना चाहती है प्रेरणा, बंगाली बोल दो कुछ दीपशिखा, कुछ भी बोल दो, क्या बोलू, कुछ सिखाया ही नहीं। दादा तुम्हार ड्राइंग का सोचो लगे छे, बोल दिया। अंग्रेजी बोलो दीपिका, अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी में क्या बोलू, वो दुआ से गाना, चलो गाना गा लो फिर। हाल हाँ गा दो। रांची कब आ रहे हो पहले ये बताओ, रांची अभी तो मतलब शो के लिए या किसी और वजह से? शो के लिए तो बुलाना पड़ेगा, और वजह से तो अभी तक वो सीन नहीं आया, अभी तक पता नहीं कब आ जाए, जैसा दिन कल चल रहा है। केमोन ओचो मतलब केमोन ओचो मतलब कैसे हो तुम, कैसी हो? जम्मू में शो करो, इसको बोल रहे हो ऑसम डोगरा, तो जम्मू वाली मुझे बुला लो शो के लिए। दीपशिखा दी प्लीज सिंग अ बंगाली सॉन्ग, राजा यू आर नॉट अ बंगाली आई एम बंगाली, तुम एक लाइन गाओ मैं तुम्हारे पीछे गाऊंगी बंगाली। ओके ये वाला गाओ जो तुम्हारी डायलॉग टोन है ना, जो मैं कॉल सुनाई देता है फिर। हां वही वही वो वाला आता भी बोल को थाय छिलिस तुई ना 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 ना
লিরিক্স বলো, বল কোথায় ছিলিস তুই, বল কোথায় ছিলিস তুই, তোর চিন্তা যে শুধুই, তোর চিন্তা যে শুধুই, তোর চিন্তা। চলো অল দা বেস্ট, ভেরি গুড, আজ ইতনাই ঠিক হ্যায়। তুম গাও কশ্মীরি গানা? সোনু ভাইয়া ভি আগে কশ্মীরি গানা হ্যায় গাও, মে কোশিশ করতা হুঁ। ক্যা তনিক ভাই ক্যাসে হো? বলো বলে কস্তুরিয়ে, বলা কস্তুরিয়ে, ইয়েই তো। আর একবার আর একবার, বলে কস্তুরিয়ে, চলো দীপশিখা বাবু, দীপশিখা বাবু নেই আতা কশ্মীরি, কশ্মীরি সঙ্গ তো হাম লোক ইধর হ্যায়, সুনো না আব, দিনিও দিলাসি দিল্লিয়া সিলাতি দিল্লিয়া কে গঙ্গা মে, এসা কুছ রেন্ডে দুমি রেন্ডে নি হো পায়েগা। চলো উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট, হ্যাঁ নি হো পায়েগা, কোই বাত নাই, পেরে কাশ্মীরি ইন্ডাস্ট্রি সে এক বুল মতলব ডাক আনে দো, ঠিক আছে। তোর তো গিলা কুলি নি তর, আচ্ছা আবি কমেন্ট আ রহা হ্যায় কি ভোজপুরি সুনো, ভোজপুরি সং যে লাগাবে সে হিলে লে আলে সে জিলা টপ লাগে। यहाँ पे कितने लोग चाहते हो कि ये गाना दीपशिखा कवर करे, जिला टॉप लगे लो। चलो हाथ ऊपर करो यार दादा, चलो ठीक ठीक नैना दैट आर मेजर को सब कुछ भुला दिया। हम लोग ऐसे मजाक कर रहे हैं, ये कोई सीरियस नहीं है, ऐसे कोई ये सोचना मत कि हम लोग कैसे गा रहे हैं, मजाक चल रहा है अभी, ठीक है सब लोग। I'm the biggest fan of UP, ma'am. Sorry, naam ka kya? Prakash Banna. It's... Are you talking about na 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 ये हिंदी में भी यही आता है। अरे ये रहा, बट मेरे को वो भी मतलब उसका कंपोजिशन पता है क्या? कंपोजिशन क्या मतलब जो गाना है वो कैसे है वो पता है, मतलब नारी दे किनारे है गाना न समझना रे अच्छे गाना रो। कलर ट्यून के वजह से कुछ तो याद हो गया तुम्हें। मेरा बंगाली गाना ही दिल्ली में हिट हो गया। चलो कॉल्स करते हो, इतनी कॉल्स करते हो कि मुझे गाने याद हो गए पूरे। चलो और दो मिनट हम लोग रहेंगे, तुम कोई सब लोग कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है, कुछ कुछ भी। मोन माजीरे, मोन माजीरे सुन भाई, एसआर के लाग छे जाते कोथा छे सुनो, ये मैं समझ गई भाई, एसआर के लाग छे जो भी था कि भाई ऐसा शाहरुख खान लगता है ऐसा। हाँ ऐसा बोल रहा है, मतलब ऐसे ही ठीक है, मतलब ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन आई कदा जीवा, आई कदा जीवा, आई कदा जीवा, इतना ही आता है। हाँ रिलीजिंग टुमारो, रिलीजिंग टुमारो मॉर्निंग, थैंक यू बंटी, भालो अच्छी अमी লোপং মুদ্রা, হাউ আর ইউ?
गानों का सेशन नहीं है, आज हम सिर्फ मस्ती के मूड में हैं। कल तो गाना रिलीज होगा ही, कल आप सुनोगे, करते हैं थोड़ी सी। वही कह रहे कितने बात करोगे यार, गाओ। यस, गाना ऐसे सुनने में किस मजा आता है, आप लोग सच बोलो तो। सच बोलो तुम लोग, आज का हमारो पुरानो जहां चे एक कवर करो प्लीज, पुराना कवर करो। हमारा पुरानो पुरानो जहां चाहे, मतलब जहां चाहे, मतलब हमारो पुरानो जहां चाहे, मतलब हमारो पुराने जमाने जहां चाहे। ये मुझे भी नहीं, जहां चाहे मुझे पता है कि जिधर मैं चाहता हूं, लेकिन पुराणों का याद, पुराणों का मतलब मुझे याद नहीं है, पता ही नहीं है एक्चुअली, याद कैसे होगा पता। मैं अपने अकाउंट से लाइव कब आऊंगी यार, आज का मैं यूट्यूब से लाइव गई थी अभी थोड़ी देर पहले। ओ ये आप खुला खुली बोलते गले कह दो, राजदान अंधेरा, राजदान अंधेरा आज नहीं गाना। कैमोन आशु राजदा, यू रिमेम्बर मी, यस आई रिमेम्बर यू हमेशा, मैं अच्छा हूँ, भलो अच्छी, कैमोन आशु। पोरन मींस हार्ट, लिखा हुआ। लव यू दीप्तो, पूरे प्यारे प्लीज, पूरे प्यारे। रामिंग में और क्या, और कौन कौन है, कुछ सवाल, कोई कोई इंटरेस्टिंग सा कोई सवाल पूछो ना, ऐसा मौका का तो वेट रहता है सबका, कुछ भी पूछो। एक क्लास का क्या हुआ, हाय हाय चार्वी, चार्वी विग, राज इन योर वॉइस, ओरे पिया वंस, ओरे पिया रे, दीपशिका धड़क टाइटल सॉन्ग, ये मुझे लिरिक्स नहीं आते, तेरे नाम की कोई सड़क पे जो तेरे दिल को दिल बनाती है, सड़क है पानियों से, सॉन्ग कब आ रहा है रात सर, रात सर पानी तो मैंने सुना है, बहुत अच्छा सॉन्ग है आतिफ असलम का, व्हाट वाज द वन ऑफ द बेस्ट। अरे किसके लिए सवाल है, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, ये तो राज बर्मन से ही होगा यार, ऑफ कोर्स प्रीटी ऑब्वियस दैट इज। नहीं नहीं अभी सब सवाल तुम्हारे लिए आ रहे हैं, अभी तुम खास गेस्ट हो ना यहाँ। इसके बाद आया हुआ केवी खुशी का, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, ये भी तुमसे ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि केवी खुशी का है तुमसे ही। नहीं सब तुमसे, केवी खुशी मतलब क्या बता। और राज भैया, और राज भी, ओके फॉर राज भी, मेरा तो शादी होने में अभी 60 साल बाकी है, तो काफी जल्दी है। तुम्हारा बर्थडे कब होता है मेरे को बता, 31st October। हाँ साल मत बताना किसी को, हाँ अभी डेट तक ठीक है, मेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं, नहीं साल नहीं बोल रहा किसी को, जिसको जितना लगे। तुमको पता है मेरा बर्थडे कब आता है, देखो मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे कब आता है, मुझे पता है लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं। बता दिया तो क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन बताऊंगा नहीं अभी। सही है। और क्या क्या बेटी तुम क्या बोल रही हो। काव्या और पानियों सा सॉन्ग अच्छा है। दीपशिखा दी, व्हेन आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड एनी टाइम सून, नो नॉट ऑल। तुम क्या हो उधर, नहीं नहीं बस तुम्हारे आंसर से सुनो किधर हो भाई। अच्छा एक क्वेश्चन आया है, दीपशिखा दी वन वर्ड फॉर राज का,
ठीक है क्या क्या क्वेश्चन? इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मतलब समझ, क्वेश्चन क्या है दोबारा बताओ। वन वर्ड फॉर राज मेरे को पूछो। वो तुमने अच्छा ओके ओके मतलब हम दोनों के लिए एक दूसरे है, मतलब आर्टिस्ट के लिए सब लोग यही होता है। शायद रास्ता गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने नाम की एक ना मेरा नाम है तुम शादी ही मत करना प्लीज। अच्छा तुमसे दीपशिका तुम्हें बोल रही है तुम शादी मत करना। अच्छा एक ना एक ना, अरे शादी बर्बादी है लीव दिस टॉपिक बस। व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली? व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली? बस जल्दी जल्दी दिल्ली आ जाऊंगा। एक क्वेश्चन है विराज का, आर यू सिंगल? प्लीज आंसर। मैं तो सिंगल ही पैदा हुआ था, हर कोई सिंगल ही होता है, मतलब मेरा कोई भाई सिस्टर थोड़ी ना है, सिंगल ही हूँ मैं। सिंगल चाइल्ड? सिंगल चाइल्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, बस अभी भी सिंगल ही बैठा हूँ। देखो गाड़ी में कोई नहीं है। राज का वन वर्ड फॉर दीपशिका? वन वर्ड फॉर दीपशिका थ्री वर्ड्स हो जाएगा। एक्चुअली मेरा कुछ थ्री वर्ड्स हो सकता है। हाँ बताओ बताओ, मैं सुनना चाहूंगी थ्री वर्ड्स, बताओ बताओ। ब्यूटीफुल सिंगर एक्टर। अच्छा कोई बोल रहा है कि आस्क हिम। अच्छा सुनो सुनो, मेघना इज हिज गर्लफ्रेंड, आस्क हिम। बताओ आज जनता जानना चाहती है। आज जनता जनता को जनता जान के क्या करेगी, वो थोड़ी ना हम मेरी शादी देगी देखो मैं अगर मैं बताऊंगा अपना गर्लफ्रेंड के नाम तो तुम्हें सबको लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपना गर्लफ्रेंड का नाम बॉयफ्रेंड का नाम सबको लिखना पड़ेगा, सिर्फ अकेले मेरे ऊपर चार्ज नहीं चलेगा, ये सही नहीं है। अच्छा दीपशिका को ये सवाल पूछो कोई मुझसे क्या, मैं कैसी बात करो यार, अच्छी बात करो। क्या क्या था उसका शाहिद का डायलॉग, घनी अच्छी घनी अच्छी बात कर दी, समझ आया? क्या बोल, घनी अच्छी बात कर दी। थैंक यू। जो घर मोड़ की बात में जो बोल रही है शाहिद बोल रहा है रणवीर रणवीर सिंह को पद्मावत। ठीक। अच्छा अभिषेक और अनुराग उनको भी बोलो थोड़ा एक बार सबसे हाई बोलने के लिए, उन लोगों को भी बोल दो दिखाऊं। खैर सो गाइस मीट द पीपल जो कैमरे के सामने हैं वगैरह हमारा काम करते हैं, मतलब आते हैं सिर्फ अपने म्यूजिक वीडियोस में। तो ये है अनुराग रंगा। कैसे हो? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। अमेजिंग द ट्रैक। सब हो गया ना पूरा पूरा तैयार हो गया ना पूरा? बहुत अच्छा सही है। और हाउ इज इट? बस चल रहा है अभी, तुम लोग बात कर लो इनसे, फैन सब है यहाँ पे। हेलो हेलो। अच्छा मुझे अभिषेक का ना ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, एक हमेशा कैसे ऐसे फिट रहता है मुझे पता नहीं चलता। तो मेरे बाल एक्चुअली कम हो गए बहुत ज्यादा इसलिए मेरे को ये रखना पड़ा, अदरवाइज मैं बड़े बड़े क्या क्या और ये भी चलो अभी चलता हूँ, यहाँ पे बारिश शुरू हो गया। ठीक है
बारिश हो रही है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है और हाँ घर भी जाना है मुझे। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू वर्स टोल्ड टू गाइस, न्यू थैंक यू सर, या ऑल द बेस्ट। अरे बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को, हम लोगों को बोलेंगे सब लोग, हम लोग तो एक ही है। चल ठीक है, ठीक है, टेक केयर, चलो गुड नाइट एवरीवन, कल सब देख लेना ठीक है, एंजॉय टिल देन, बाय बाय।